सूरी सिद्धांत के इस 116वें भाग में परिलेख प्रक्रिया का अनुवर्तन करते हैं। छेदिकाधिकार में आचार्य के द्वारा प्रदर्शित तथा आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो परिलेख विधान है, उसमें अभी तक हम अनेक घटों को देखे हुए हैं, अनेक सोपानों को पार किए हुए हैं। आज तीन अलग अलग विषय लेकर इस भाग में उपस्थित हैं। छेद्यकम् लिखता भूमौ फलकेवा विपश्चिता दिशां विपर्ययः कार्यः पूर्वापर कपालयोः। यह छेद्यकाधिकार का 12वां श्लोक है। विपश्चिता विद्वान के द्वारा भूमौ फलकेवा भूमि पर अथवा फलक माने एक किसी चट्टान या स्लेट इत्यादि पर छेद्यकम लिखता छेद्यक यानी इस छेद्यक को यानी इस परिलेख को लिखते वक्त पूर्वापर कपालयो हो दिशाम विपर्ययः कार्यः। जो पूर्व और अपर कपाल जो हैं, जो पूर्वार्थ और परार्थ हैं, जो हिस्सा उनकी जो दिशा है उनको विपर्यय करना है। विपर्ययः कार्यः विपरीत रखना है, क्योंकि वो प्रतिबिंबित आसमान की बात है, उसको हम भूमि पर लिख रहे हैं, तो उसको एक मिरर इमेज जैसे बनाना है, अर्थात पूर्व के स्थान में पश्चिम और पश्चिम के स्थान में पूर्व को लिखने की बात आचार्य कर रहे हैं इस 12वें श्लोक में। छेद्यकम लिखता भूमौ फलकेवा विपश्चिता दिशां विपर्ययः कार्यः पूर्वापर कपालयोः। अब इसके बाद आचार्य बता रहे हैं स्वच्छत्वाद् द्वादशांशोऽपि ग्रस्तश्चन्द्रस्य दृश्यते। स्वच्छत्वाद् द्वादशांशोऽपि ग्रस्तश्चन्द्रस्य दृश्यते लिप्ता त्रयमपि ग्रस्तं तेक्ष्णत्वान् न विवस्वतः। चंद्रस्य द्वादशांशोऽपि ग्रस्तः भागः स्वच्छत्वात् दृश्यते। चंद्रमा का जो 12वां अंश, 12वां हिस्सा, क्योंकि चंद्रमा का जो मध्यम मान में बिंब है द्वादशांगुल का, उसका 12वां भाग हुआ है एक अंगुल, अर्थात चंद्रमा का यदि एक अंगुल भी ग्रस्त होता है, ग्रहण लगता है, तो स्वच्छता के कारण अर्थात वो साफ निर्मल होता है, इसलिए वो दिखाई दे देता है। विवस्वतः लिप्ता त्रयम अपि, वही सूर्य का लिप्ता त्रय यानी एक अंगुल, कला त्रय तीन कलाओं का एक अंगुल, तो लिप्ता त्रयम अपि एक अंगुल भी, भले एक अंगुल का बिंब का एक अंगुल का ग्रहण लग जाए, ग्रस्तम माने वो जो ग्रस्त हो जाए, ग्रहण लग जाए, तो तीक्ष्णत्वात् न दृश्यते। तीक्ष्ण सूर्य प्रखर होने के कारण उस कांति में, उस प्रकाश में वो ढका हुआ वो एक अंश एक अंगुल मान वो दिखाई नहीं देता है। इसका अर्थ यह है कि यदि चंद्रमा का एक अंगुल का ढकता हुआ मान आपको सामने आ रहा है तो आप बता दीजिए कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और यदि सूर्य का एक अंगुल अथवा उससे कम का यदि ग्रहण लगता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे ग्रहण लगेगा तो भी वह दृश्य नहीं होगा। स्वच्छत्वाद्वादशांशोऽपि ग्रस्तश्चन्द्रस्य दृश्यते लिप्ता त्रयमपि ग्रस्तं तेक्ष्णत्वान् न विवस्वतः। अब जिसके बाद 14वें 15वें और 16वें इन तीन श्लोकों में एक ही बात को आचार्य बता रहे हैं। यहाँ श्लोकों को देखने के बाद चित्र के माध्यम से उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। स्वसंज्ञतास्त्रयकार्या विक्षेपाग्रेषु बिंदवः। स्वसंज्ञतास्त्रयकार्या विक्षेपाग्रेषु बिंदवः तत्र प्राङ् मध्ययोर्मध्ये तथा मौक्षिक मध्ययोः। यह 14वां श्लोक।
लिखेन मत्स्यौ तयोर मध्यान मुखपुच्छ विनिश्रुतम प्रसार्य सोत्रद्वितयम् तयोर यत्र युतिर्भवेत् तत्र सूत्रेण विलिखेत् चापम् बिन्दुस्त्रयस्पृशा सपन्था ग्राहकस्योक्तो येनासौ संप्रयास्यति। इन तीनों श्लोकों में आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं उसको हम एक बार चित्रण के परिपूर्ण रूप से यदि देख लेते हैं तो वह स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार वलन को अंकित करने के पश्चात हम वलन बिंदुओं से मध्य बिंदु तक का सूत्र लिखकर वो समासाक्ष्य वृत्त में जहां पर स्पर्श करता है वहां से हम विक्षेप का अंकन किए थे। इस प्रकार तीन स्थानों में प्राग स्पार्शिक विक्षेप, मध्य विक्षेप और मौक्षिक विक्षेप तीनों का हम अंकन किए थे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वसमुज्ञता त्रयः कार्य विक्षेपाग्रेषु बिंदवः, उन विक्षेप के अग्रभागों में बिंदु करने के लिए कह रहे हैं। ये कैसे होंगे, स्वसमुज्ञता वो अपने अपने समझना के होंगे, अर्थात पूर्व में हमने जो स्पार्शिक विक्षेप दिए हैं तो वहाँ पर वो स्पार्शिक विक्षेप बिंदु, मध्य विक्षेप बिंदु, मौक्षिक विक्षेप बिंदु, ऐसे स्वसंज्ञता यानी अपने अपने नाम से प्रसिद्ध तीन बिंदु करिए विक्षेप के अग्रावों में अग्रभागों में। स्वसंज्ञता त्रयः कार्य विक्षेपाग्रेषु बिंदवः, फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, तत्र प्रांग मध्ययोर मध्ये तथा मौक्षिक मध्ययोः, प्रांग मध्ययोः मध्ये, प्राक पूर्व में जो है और मध्य में जो है उन दोनों के बीच में, यह पूर्व का बिंदु और यह मध्य बिंदु, इन दोनों के बीच में, तथा मौक्षिक मध्ययोः, इसी प्रकार जो मोक्ष का बिंदु है ये वाला, इसका और यह जो मध्य बिंदु है इसका, इन दोनों के बीच में क्या करने के लिए कह रहे हैं, लिखेन मत्स्यौ, मत्स्यौ लिखेत, पूर्व और मध्य वाले में और मध्य और पश्चिम वाले के बीच में मत्स्यौ, दो मत्स्यों को, दो मछलियों को बनाना है। आप मछली बनाना जानते हैं, जैसे त्रिप्रश्न अधिकार में विदिशाओं के साधन करते वक्त तथा दिशाओं के साधन करते वक्त वहाँ मत्स्य रेखा का निर्माण आचार्य बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मत्स्य, इस प्रकार से ये मत्स्य बना है प्रांग मध्ययोर मध्य, पूरब और स्पार्शिक और मध्य विक्षेप बिंदुओं के बीच में, इसी प्रकार से मध्य और पश्चिम विक्षेप बिंदु के बीच में, मौक्षिक विक्षेप बिंदु के बीच में मत्स्य बनाना है। इस प्रकार से लिखेन मत्स्यौ, दो मत्स्य बनाना है, लिखना है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, तयोर मध्यान मुखपुच्छ विनिश्रुतम प्रसार्य सोत्रद्वितयम तयोर यत्र युतिर्भवेत, तयोह मध्यात, तयोह कयोह मत्स्ययोह, उन दोनों मछलियों के बीच में से, कैसे मुखपुच्छ विनिश्रुतम, मुख और पूंछ इन दोनों को मिलाता हुआ सोत्रद्वितयम प्रसार्य, दो सूत्र बनाकर, तयोह यत्र युतिर्भवेत, पहले सूत्र बनाइए, ऐसे दो सूत्र बनाया इस मछली के मुख और पूंछ को मिलाते हुए और उस मछली के मुख और पूंछ को मिलाते हुए दो सूत्र बनाया, तयोह यत्र युतिर्भवेत, इन दोनों रेखाओं का जहाँ पर युति होता है, यहाँ पर, यहाँ से क्या करने के लिए कह रहे हैं आचार्य, आगे देखिए, तत्र सूत्रेण विलिखेत चापम बिंदुस्त्रयस्पृशा, तो ये जो दोनों रेखाओं के मिलन बिंदु हैं वहां से एक रेखा से हमें वृत्त बनाना है, यहाँ पूरा वृत्त बनाने की जरूरत नहीं है, कैसे बनाना है चाप कह रहे हैं, बिंदु त्रय स्पृशा, जो तीन बिंदु हम विक्षेप के अग्रभागों में चिन्हित किए हुए हैं, अंकित किए हुए हैं, उन तीनों को मिलाते हुए एक चाप बनाना है।
यहाँ वृत्त पूरा ना बना के वृत्त वहां तक तीनों को मिलने तक बनाएंगे, और ये वृत्त बनेगा इस प्रकार से। चाप बनने के बाद ये चाप क्या होगी? सपन्था ग्राहकस्योक्तो येनासौ संप्रयास्यति। जो ग्राहक बिंब होगा वो इसी पंथा में जाएगा, माने ग्रहण काल में वो इसी रास्ते से जाएगा। इस रास्ते से जाएगा हमें क्यों जानना है? इससे क्या होगा कि हम जिस समय का चाहते हैं उस समय के ग्रासमान को, ढके हुआ भाग हो भाग को हम पहचान सकेंगे, जिसको हम इष्टकालिक ग्रास कहते हैं, वो ऐसे चलेगा। यानी वो जितने हिस्से में वो ढकते हुए चला उतना ग्रहण लगा, ठीक। तो यही था, इसी बिंदु को ग्राहक का मार्ग क्या होगा यह बताया है आचार्य इन तीन श्लोकों में, 14, 15 और 16 में श्लोकों में। फिर मिलते हैं अगले भाग में।